नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों लाए गए कृषि बिल को जायज ठहराया है। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजेंद्र शुक्ल ने कृषि बिल को किसान के समर्थन वाला बिल बताया। उनका कहना था इस बिल से किसान की आय बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी तो देश उन्नति और प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं भाजपा कार्यालय में और सुनाते हैं राजेंद्र शुक्ल पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं। संवर्धन सुविधा विधेयक है, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण तथा कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक है और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक भी इसमें है। ये तीन प्रकार के जो बिल आए हैं ये राष्ट्रपति जी के दोनों सदनों से पारित हो गया है। राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कानून का रूप लेगा और एक नई मजबूती की ओर हमारे किसान भाइयों को ले जाने का काम इस देश के अंदर शुरू होगा। ज़्यादातर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी सरकार समाप्त कर रही है और मंडियां समाप्त कर रही है। ये दोनों बातें पूरी तरह से निराधार हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला, कृषि मंत्री जी ने संसद के अंदर बहुत स्पेसिफिकली बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा और मंडियाँ भी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होंगी और उनके झूठ को और पूरी तरीके से ये बेबुनियाद बात है। इसके लिए उन्होंने तत्काल समर्थन मूल्य में जो हमेशा की तरह वृद्धि करते हैं न्यून समर्थ MSP पे, वो मूल्य वृद्धि भी करके उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, किसी फसल में 225 रुपये तो किसी में 50 रुपये तो किसी में 80 रुपये। जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपना उपज बेचना चाहते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचें, जो मंडी में आके बेचना चाहते हैं वो मंडी में बेचें। और जो 86% किसान ऐसे हैं जो औने पौने दाम पर जो बिचौलियों के आधार पर जो अपनी उपज बेचने का काम करते थे वो सीधे जो निर्यातक हैं, जो रिटेलर हैं, जो थोक विक्रेता हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनसे यदि कोई वो करार करते हैं और उनको ये फ्रीडम भी दी गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, यदि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छे उनके उपज का रेट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीधे वो वहाँ भी अपनी फसल बेचने का काम कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनको साथ में लेके, आजकल तो नई पीढ़ी के लोग बड़े हर गांव-गांव में जो नए बच्चे हैं वो कंप्यूटर और IT से इतने फ्रेंडली हो गए हैं कि वो फटाफट उनको बताओ तो घर बैठे बैठे और अपने पिताजी के फसल को बेहतर प्राइस में बेचने के लिए उनका रास्ता खोला जा रहा है। इस प्रकार का यदि रास्ता खोला जा रहा है, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि अभी कृषि के क्षेत्र में बहुत सुधार की ज़रूरत है, किसानों को और मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है, कानून में और आवश्यक संशोधन और नए कानून लाने की ज़रूरत है जिससे कि अंतिम छोर पर का जो गरीब और सीमांत किसान है वो खेती को लाभ धंधा बनाने में सफल हो सके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।